आज का वीडियो बहुत ही कड़ा है। मुझे पता है बहुत सारे लोग ठोकर तो खाएंगे ही, क्योंकि ऐसी बातें आपके सामने रखी जाएंगी। मन करे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा उद्देश्य यही है कि आप पापों से मन फिराएं, तौबा करें, यीशु नासरी के पास लौटाएं। आज के समय में बहुत सारे लोग पाप करते, व्यभिचार करते, गुनाह करते हैं, गंदे वीडियो देखते, सेक्स वीडियो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सुधर जाओ, और समय कम है, दिन बुरे हैं, अपने आप को बचा लो, अपने आप को तैयार कर लो, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर रह गए, आप यहाँ पर छूट गए, सारी गर्मी उस अनंत काल की आग में निकल जाएगी। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, अभी तो बड़ा मजा आ रहा है पाप करने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में। आज लोग अपना जीवन ऐसे बिता रहे हैं कि उन्हें कभी मरना ही नहीं है, और कुछ लोग प्रभु में अपना जीवन ईमानदारी से बिता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जीवन बिता रहे हैं कि उन्हें कभी मरना ही नहीं है, मरना ही नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूँ सुधर जाओ, समय कम है, बचा लो अपने आप को, समय कम है, लौट आओ यीशु मसीह के पास, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। क्यों पाप करके नरक जाना चाहते हो भाई? वहाँ एक या दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा, क्यों नहीं समझा रहा है? हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर न्याय करके उसे नरक में फेंक देगा। जिस शरीर में आपने व्यभिचार किया होगा, गंदे काम किया होगा, वही शरीर परमेश्वर आपको पहना के नरक में फेंक देगा। जाके आग नहीं बुझती है, जाके अकेले नहीं मरते हैं, इसलिए समय है अभी, अभी आप जिंदा हो, अभी मन फिरा लो और लौटो इस मसीह के पास, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। दानियल 12 अध्याय के 2 वचन में लिखा हुआ है, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के लिए जीवन के लिए, पर कितने तो अपने नाम धराए के लिए सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए ठहराए जाएंगे। जो भूमि के नीचे, मतलब जो मर चुके हैं, वे सब फिर से जाग उठेंगे जब यीशु मसीह आएगा, और जो यीशु मसीह में ईमानदारी से अपना जीवन बिताते थे वे अनंत जीवन बिताएंगे, अनंत जीवन पाएंगे। और जो नाम धराए हैं, जो सिर्फ नाम के मसीही हैं, वे लोग अत्यंत घिनौने ठहरेंगे। अभी आगे आपको बताया जाएगा, जैसे मरकुस 9 अध्याय के 44 और 49 वचन में लिखा हुआ है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता है और न आग बुझती है, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा, उन लोगों को यहां डाला जाएगा, नरक में डाला जाएगा न्याय करके, जहां का कीड़ा कभी नहीं मरता है, जहां की आग कभी नहीं बुझती है, जहां पर उन लोगों को डाला जाएगा। मत्ती की पुस्तक में लिखा हुआ है 16 अध्याय के 23 और 24 वचन में, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को मेरे पास भेज दे, वह अपनी उंगली का सीरा भिगोकर मेरी जीभ को पानी से ठंडी करे, क्योंकि मेरी जीभ इस ज्वाला में तड़प रही है। जैसे धनवान उस ज्वाला में एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है, वैसे ही जो व्यक्ति उसमें डाला जाएगा वह एक बूंद पानी के लिए तड़पेगा। बहुत हार्ड आग होगी वहाँ की, जहाँ लोहा पानी पानी बन जाता है। मेरे प्रियो, दूसरा तिस्लुनिकियों 1 अध्याय के 9 वचन में लिखा हुआ है, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे, तो अनंत काल का दंड देगा, वे लोग अनंत काल के लिए तड़पाए जाएंगे, जहाँ का धुआं युगानुयुग उड़ता रहता है। जैसे प्रकाशित वाक्य की 20 अध्याय के 10 वचन में लिखा हुआ है, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्य दक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। वह एक ऐसा स्थान है जहाँ दुष्ट लोग रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे, वहाँ चैन नहीं मिलेगा। ऐसा मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय के 46 वचन में लिखा हुआ है, और यह अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी जीवन में प्रवेश करेंगे। दुष्ट लोगों को अनंत दंड दिया जाएगा, अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी लोग स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पाएंगे। नरक एक ऐसा स्थान है जहाँ दुष्ट लोग हमेशा हमेशा के लिए तड़पते रहेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को दबा के शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की। गुड लक।